हालांकि आपने बहुत तकनीकी पहलुओं के बारे में हमें पिछले दो दिनों में समझाया है, लेकिन आज हम उन इमोशंस की ही बात करना चाहेंगे। हमारे लिए एक रैंक हो जाता है अगर हम कहते हैं एक स्क्वाड्रन लीडर, एक विंग कमांडर, एक जूनियर वारंट ऑफिसर, लेकिन मैं उसके पीछे के व्यक्ति को आपके जरिए समझना चाहूंगी। चार वायुवीरों को भी हमने गंवाया है इस क्षति में। देने के लिए और ग्रुप कैप्टन झा, शायद आपकी आवाज म्यूट है, आप उसे अनम्यूट कर दीजिए। मेरी बात, हेलो जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? जी अब सुन पा रहे हैं। जी तो मैं यही बता रहा था कि थोड़ी देर पहले भी गौरव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इस हेलीकॉप्टर में जो जा रहे थे दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो सीडीएस खुद थे, उनके इंटरेटरेज थे, जो जो पायलट हेलीकॉप्टर चला रहे थे वो पायलट ऑर्डिनरी पायलट नहीं थे, वो कॉम स्क्वाड्रन के पायलट थे, एंड कॉम स्क्वाड्रन हैज गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, सावंत जी को पता होगा। और जो जो कमांडोज थे दे वर ऑल्सो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, दे वर इन द वो उनका उनकी हिफाजत कर रहे थे जो सेना के सर्वोच्च हैं भी। तो बिल्कुल शॉर्ट में गौरव जी ने बताया कि दोज हु मार्टर्ड देयर देमसेल्व्स, हु आर मार्टर्स टुडे, जो आज हमारे शहीद हैं, दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। अब थोड़ी देर पहले श्वेता जी मैंने एक सेना के पत्नी की जो आवाज सुनी है, अंदर से जोश भर जाता है। जो उन्होंने कहा हुआ है कि जैसे ब्रिगेडियर लीडर की वाइफ ने कहा आई एम सोल्जर्स वाइफ, और उन्होंने एक छोटे से शब्द कहे और हमारे जहन से बहुत सारी बात चली गई। अगर आपको समय हो तो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि ये 1991 की बात है, हेलीकॉप्टर में हम लोग आ रहे थे, साइकिल से वापस लेह आ रहे थे, हमारी हेलीकॉप्टर को फोर्स लैंडिंग करना पड़ा। इसमें कौन सी जगह थी, कहीं पे फोर्स लैंडिंग करना पड़ा और हमारी हेलीकॉप्टर ओवरड्यू हो गई, मिसिंग घोषित कर दी गई। कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर हमारी वाइफ के पास आए, उन्होंने बताया कि आप किसी अफवाहों पर ना जाएं, हेलीकॉप्टर मिसिंग है, डॉक्टर झा वो मिसिंग है, बाकी भी पायलट मिसिंग है। उस कुछ घंटे में वाइफ के दिमाग से क्या क्या गई थी, एक सोल्जर्स के वाइफ ही उसको अनुभूति कर सकते हैं। अफकोर्स हम लोग फिर से वहां से टेक ऑफ करके वापस आए लेह में, लेकिन जब तक आए तब तक वाइफ थी पूरे यूनिट की जो सांस में सांस थमी हुई थी। तो हमारे वाइफ को ये चीजें झेलने की आदत है। हम सैनिकों को जिस दिन सेना रिक्रूट होता है या कमीशन होता है, उस दिन उसको बताया जाता है कि तुम्हारे एक एक गोली से दुश्मन मरना चाहिए, तुम अपनी जान देने के लिए मत जाओ, तुम सेना के तुम दुश्मनों की जान लेने के लिए जाओ, उसको मार के वापस आओ। और जो जो एक छोटी सी बच्ची ने भी कहा था, ब्रिगेडियर लीडर की डॉटर ने, उन्होंने कहा था कि मे बी समथिंग बेटर विल बी कमिंग आउट। ये छोटी छोटी चीजें मानसिकता को छू जाती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कहूंगा कि वो इससे शिक्षा ले। देखिए हम सबों को एक ना एक दिन मरना है, हम देश की सेवा करके क्यों नहीं मरें, हम कुछ ऐसा काम करके क्यों नहीं मरें जिसके बाद लोगों को एक एग्जाम्पल सेट हो। तो यही एक चीजें हैं। बहुत बड़ी बात की सर आपने, बहुत बड़ी बात की आपने कि सेना क्या सिखलाती है, क्या सीख होती है सेना में। जिए तो सिर्फ अपने देश के लिए, और अगर वो केवल सेना ही नहीं उनके परिवारों में भी वही भाव वही भावना रहती है। लेकिन स्वप्निल जी, परिवारों का वीरों की वीरगति प्राप्त करने के बाद क्या होता है, क्या सेना उनकी देखभाल कर पाती है, कब तक कर पाती है, अब क्या होगा परिवारों का? गौरव जी, सेना ही एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी भी अपने परिवारों का हाथ नहीं छोड़ती है। देयर इज अ रीजन हम इसको एक फटर्निटी कहते हैं, एक फैमिली कहते हैं।
और सेना में बहुत सारे कार्यक्रम हैं जो वीर नारियों के लिए, वीर परिवारों के लिए चलाए जाते हैं। यही कारण है कि 1962 का युद्ध हो, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, कारगिल वॉर हो, या रोज के जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस होते हैं, हमारी वीर नारियां, वीर फैमिलीज आपको जगह जगह भटकती हुई नहीं मिलेंगी फाइलों के बीच में, क्योंकि जो हमारी फौज है उनका लुक आफ्टर करती है। बट बात यहाँ पे ये होती है, आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि जनरल एंड मिसेस रावत एक बहुत बड़ी हस्ती थे इस देश की। सिर्फ सिपाही नहीं थे वो, हमारी हमारी सेना का फेस थे, एक चेहरा थे जिनको देख करके हम उत्साहित होते थे, हम सिखलाई भी लेते थे, हमें पता होता था, हमें एक विजन होता था और पूरा देश भी गौरवान्वित होता था उनके ऊपर। बहुत रौनक थी, बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना था। बट आज अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं तो आप देखिए, आज उनके परिवार में उनकी बेटियां बची हैं, कृतिका एंड तारिणी। हमने उनके बारे में नहीं सोचा ना, बस उनकी एक तस्वीर देखी है, वो लास्ट जर्नी पे अपने पेरेंट्स को फूल डाल रही थी और बड़ा ही ग्रेसफुली उन दोनों ने अपने आप को कैरी किया। और मिसेस लिडर का भी आपने देखा और उनकी बेटी का भी, कि कितना ग्रेसफुली वो खुद ये मैसेज दे रही हैं हम सभी को। इस सेना में जो जा रहा है, सेना मनोबल के ऊपर होती है कि वी आर सोल्जर्स वाइफ, वी आर सोल्जर्स डॉटर। बट वो रौनक चली जाएगी अब उनकी लाइफ से। कुछ समय देश याद करेगा, सभी बात भी करेंगे, ये